हेलो गाइस, आज बताऊंगा मैं आपको आईएएस बाबा का जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे डिस्कशन करना है और कैसे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कैसे रिलेवेंट है आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे गूगल खोलना है और यहाँ पे आईएएस बाबा टाइप करना है। तो जैसे ही आईएएस बाबा टाइप करोगे तो यहाँ पे आईएएस बाबा का यहाँ पे आ जाएगा पहला। तो ये आ गया आईएएस बाबा का साइट आ गया। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स है तो यहाँ पे जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पे बाबाज डेली न्यूज एनालिसिस। चलिए यहाँ पे देखते हैं आज 21 तारीख है। यहाँ पे 21 तारीख है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में खुल जाएगा। चलिए देखते हैं आज क्या क्या है आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंस क्या क्या है। 21 तारीख का इंडिया फर्स्ट सोलर क्रूज वेसल टू बी रोल्ड आउट सोन। ये क्या है, जीएस पेपर 3 में आता है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन। व्हाट इज द न्यूज, केरला इज गियरिंग ऑफ द लॉन्च ऑफ द कंट्री इज प्रीमियर सोलर पावर क्रूज बोट बाय दिसंबर 2019। द हाइब्रिड वेसल विल बी पावर्ड बाय ए मोटर दैट कैन बी सोर्स एवरी दैट इज एनर्जी फ्रॉम सोलर पैनल बैटरी एंड जनरेटर। सोलर वेसल्स डो नॉट क्रिएट एयर एंड नॉइज। ओके, द डबल डेक, ये है क्या है, डबल डेक है, डबल इंजिन एंड काटामारन टाइप वेसल्स अडियर्स टू नॉर्म्स स्पेसिफिक बाय द इंडियन रजिस्ट्री, मीन्स IRS, मीन्स इट्स किसका फुल फॉर्म, इंडियन रजिस्ट्री ऑफ शिपिंग। द इनिशिएटिव कम्स फ्रॉम द स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, केरला क्या कर रहा है, एक सोलर पावर क्रूज बोट रोल आउट कर रहा है बाय द दिसंबर 2019। नेवी टू बिल्ड 6 सबमरीन्स। नेवी क्या है, अभी 6 सबमरीन्स बिल्ड कर रहा है। देखिए चलते क्या है, इट इज कम्स अंडर द P75 प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज द सेकेंड प्रोजेक्ट बींग अंडरटेकन बाय द लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल्स व्हिच फर्स्ट बींग द प्रोक्योर 111 नावल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। This will be provide a major boost to the indigenous designs and construction capability of submarines in India. तो ये क्या है, बेसिकली है नेवी है क्या है, 6 सबमरीन्स अभी बिल्ड करेगा। उसके बाद पोम्पियो टू पेव वे फॉर मोदी ट्रम्प मीट। पोम्पियो क्या है इसमें देखते हैं, ये जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कवर होता है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो। पोम्पियो विजिट फ्रॉम 25 जून टू 27। ये इतना ये नहीं है, बस ओनली यू शुड रिमेंबर द बायलेटरल ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड द यूएसए। इट इज प्रेजेंटली ग्रोइंग ओवर द ईयर दैट इज 150 बिलियंस। मेजर कंसर्न्स टू बी डिस्कशन ड्यूरिंग मीट्स एंड साइडलाइंस G20 समिट। ये कौन सा टॉपिक्स में बात करेंगे, ये सब ये डिफिकल्ट इश्यूज ऑन ट्रेड सच एज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। वी नो द 5G इज कमिंग, टेली कम्युनिकेशन
ओके, इसके ऊपर बातचीत होगा, यूएस कंसर्न से अबाउट द चाइनीज कंपनीज, दैट इज व्हाई पार्टिसिपेशन इन द 5G रोल आउट इंडिया एंड इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली ये सब टॉपिक्स, इंडियाज प्लान फॉर द फेज ऑफ द ओशियन S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम्स जो इंडिया खरीद रहा है, इसके ऊपर बात होगा। उसके बाद यूएस कंसर्न्स ऑन डाटा लोकलाइज एंड पॉसिबल क्विड प्रो द H-1B वीजा एंड IT प्रोफेशनल्स, इसके ऊपर भी द ईरान सेंक्शंस ऑफ इंडियन कंसर्न्स ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। तो बेसिकली ये पांच चार पांच चीज है, इसके ऊपर बेसिकली बात होगा। इंडिया मेड ए वेरी बिग मिस्टेक बाय शूटिंग डाउन, सॉरी करेक्शन, दिस इज ईरान। ईरान मेड ए वेरी बिग मिस्टेक बाय शूटिंग डाउन यूएस ड्रोन। ईरान ने क्या है अभी, क्या है, एक यूएस का जो ड्रोन है उसको मार के गिरा दिया है, उसके ऊपर है। हिमालयन ग्लेशियर आर मेल्टिंग ट्वाइस इज फास्टर सिंस 2000। तो अभी क्या है, हिमालय में जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है, ओके, डबल, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ओके, इसी के वजह से। WHO राइट्स न्यू प्रिस्क्रिप्शंस टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये इट इज नॉट ए वेरी रिलेवेंट है। जैसे मेन्स फोकस क्या है, क्रिएटिंग ए वैल्यूएबल इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो कमिंग अभी जो आ रहा है मेंस आ रहा है सितंबर में, उसके लिए जो बंदे दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है। एट द मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर द इंडिया बाई 2024। What we would hope to find once we have reached the destination of questions of। तो ये बेसिकली वही है, क्रिएटिंग है वैल्यूएबल इकोनॉमिक्स, ओके। देन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा का इम्पोर्टेंस क्या है, तो प्रीवियस जब इन व्हेन मोदी गवर्नमेंट इज केम टू पावर, दैट टाइम वो क्या कहे थे कि योगा को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के, योगा डे बनाने के लिए यूएन में प्रस्ताव रखा था, तो वो पास हो गया। तो उसके बाद हर साल 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, उसी के ऊपर है, योगा के ऊपर है। ओके, ये है क्वेश्चन है आयुष बाबा का, चार तीन चार होगा, आप दिल्ली बेस्ड क्वेश्चन, ये आप लोग को आप खुद करके मेरे को आंसर भेजना, मैं आपको। दैट इज वन ऑफ द नंबर वन क्वेश्चन इज एक्सेस वॉच एंड रिजर्व पॉलिसी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हिच वन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओके। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक्स, नो नो नो, ओके, बोथ आर डिफरेंस, ओके, थैंक यू।